बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया एंड वी आर हेयर टू डिस्कस द हिस्टोलॉजी। लेक्चर जो है वो हमने कनेक्टिव टिश्यू शुरू किया हुआ था, और कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली हम लोगों ने कल जो है वो उसका मैट्रिक्स पढ़ लिया था कि हमने मैट्रिक्स को जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, और जो है वो उसके अंदर कुछ सेल्स थे जैसे ऑस्टियोब्लास्ट थे, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स थे और ऑस्टियोसाइट्स थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जो है वो हम अपना रिमेनिंग पोर्शन शुरू करेंगे, दैट इज़ द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं हमारे पास, वो सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द बोन रिजॉर्प्शन, यानी बोन ईटिंग सेल्स हैं, जबकि हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो थे वो हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स थे। ठीक है, यानी ये ऑपोजिट हैं टू द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। इन्होंने क्या करना है, बोन को रिजॉर्व करना है। जो पुरानी बोन अपना टाइम गुजार चुकी होगी, अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी होगी, उसको रिजॉर्व किया जाएगा और उसकी जगह पर जो है वो न्यू बोन जो है वो आएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीमॉडलिंग एंड रीन्यूअल। ठीक है, तो ये रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना आता है कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, एज होती रहती है, वैसे वैसे ये जो रीमॉडलिंग का प्रोसेस है ये स्लो डाउन होता रहता है। ठीक है, रिमॉडलिंग हो रही होती है लेकिन स्लो डाउन हुआ होता है। ऑस्टियोफॉर्मिंग जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी कम होने शुरू हो जाती है और बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल पेस पे काम कर रहे होते हैं और हमारी बोन्स जो होती हैं वो पोरस होना शुरू हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ अनदर फिनोमिना। ठीक है, तो बेसिकली हम जो फंक्शन बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो बेसिकली बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, उन जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पे बोन ने जो है वो रिजॉर्व होना है। ठीक है, यानी जहाँ पे रिक्वायर्ड है कि बोन की जो है वो रिजॉर्प्शन है, तो वहाँ पे ये सेल्स जाएंगे, उसको जो है वो मतलब ईट करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे जो बोनी मैट्रिक्स है उसको खाना शुरू कर देंगे और वहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी। वो कैविटी जो होगी वो स्टिमुलस होगा फॉर द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आएंगे और न्यू बोन बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो है वो बोन की रिन्यूअल होती रहती है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास वो रिजॉर्प्टिव बोन की सर्फेसिस जो हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आर लोकेटेड इन अ शैलो डिप्रेशन कॉल्ड द आपका रिजॉर्प्शन बेस, यानी वो जगह जहाँ पे आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पड़े हुए होते हैं, दीज आर नोन एज द रिजॉर्प्शन बेस। और ये बेसिकली आपकी बोन सर्फेसिस से बहुत डीप होते हैं, यानी बोन सर्फेसिस के बहुत डीप होते हैं, स्टिमुलस मिलने पर वो आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इसको हाउ शिप लैक्यूनाई भी बोलते हैं। बेसिकली ये दे आर नॉट लैक्यूनाई इन अ ट्रू सेंस। द रिजॉर्प्शन बेस आर क्रिएटेड बाय द एरोसिव एक्शंस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट ऑन द अंडरलाइंग बोन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनका एरोसिव एक्शन होता है, ये भी हम आगे डिटेल से इसका पढ़ेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स सबसे पहले लार्ज सेल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इसके जो न्यूक्लियस हो सकते हैं वो मोर टू 50 न्यूक्लियस हो सकते हैं, और जो इसकी डायमीटर है वो 150 माइक्रोमीटर है। इसके अंदर हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है इसका एसिडोफिलिक होता है। एसिडोफिलिया इसका क्यों होता है, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स। इसके अलावा हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पड़ा हुआ होता है, और जो न्यूक्लियाई है वो हमारे पास बेसिकली कहाँ पे पड़ा होता है, अपर पार्ट ऑफ द सेल में पड़ा होता है, विच इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द बोन सर्फेस। यानी जो न्यूक्लियस होगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के, जो न्यूक्लियस होंगे वो उस जगह पर होंगे जो कि फार होंगे फ्रॉम द बोनी सर्फेसिस। तो फिर हमारे पास वो सर्फेसिस जो कि ऑस्टियोक्लास्ट के जो लोअर पार्ट का होगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का, वो हमारे पास क्या होगा, यानी जो एपिथेलियल साइड को होगा। ठीक है, वो पार्ट ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट को हम रफल्ड बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, और ये बॉर्डर जो होता है इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, विच आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीप इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा लेमा। ठीक है, दीज प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक माइक्रोविलाई फाउंड ओवर द एपिथेलियल सेल्स। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स के ऊपर हमारे पास माइक्रोविलाई जैसी प्रोजेक्शंस थी, बेसिकली ये भी हैं तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ही, लेकिन ये माइक्रोविलाई जैसी नहीं है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ऑस्टियोक्लास्ट की, दे अंडरगो अ चेंज इन देयर शेप और एज दे आर एक्टिवली एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो एक्सटेंड करेगा, ये रिट्रैक्ट करेगा, तो आप इस रिट्रैक्शन या एक्सटेंशन के केस में जो आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये भी शेप जो है वो अपनी चेंज करती रहेंगी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो लोअर बॉर्डर है जिसको हमने रफल्ड बॉर्डर कहा था, दैट इज सराउंडेड बाय अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर और रिंग लाइक जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती
ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी जो क्वांटिटी होगी एक्टिन फिलामेंट की वो ज़्यादा होगी, एंड दैट जोन इज़ नोन एज द क्लियर जोन। ठीक हो गया, यानी हमारे पास क्लियर जोन, दोबारा बताती चलूँ कि हमारे पास वो जो लोअर बॉर्डर है ऑस्टियोक्लास्ट के सेल का, जिसको हमने रफल्ड बॉर्डर कहा है, उसके पास हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई ऑर्गेनेल नहीं होती, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिन का फिलामेंट एक्टिन के फिलामेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड दैट जोन इज़ नोन एज क्लियर्ड जोन। और ये जो हमारे पास क्लियर जोन के अंदर पड़े हुए एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एंकर करते हैं बोनी वॉल ऑफ द हाउशिप लैक्यूनाई को, स्ट्रॉन्गली जो है ना उसको एंकर करेंगे, यानी उसको जमाए रखेंगे। ठीक है, इन दिस वे द क्लोज्ड सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट इज क्रिएटेड। इसके इस एंकरिंग होने के केस में हमारे पास एक कंपार्टमेंट बन जाता है जिसको हम सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन द रफल्ड बॉर्डर एंड द बोन दैट इज अंडरगोइंग रिजॉर्प्शन। ठीक है, यानी अब ये कंपार्टमेंट किसके बीच में बन गया, जो रफल्ड बॉर्डर बना है उसके बीच में, और जो बोन बोन का वो पार्ट जिसने रिजॉर्व होना है उस वो मिलके अब क्या बन जाएगा, ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रफल्ड बॉर्डर और ये वो बोन है जहाँ पे आपकी बोन ने जो है वो रिजॉल्व होना है, तो इसके बीच का जो स्पेस बन जाएगी दैट इज नोन एज सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन को, कोलाजिनेसिस को एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को इनटू दिस कंपार्टमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, आपका कार्टिलेजनस है। ठीक है, यानी आपका अगर लॉन्ग बोन है तो ये इसका एंड होगा, और दीज आर द आपका पेरिओस्टियम, इसके बीच में हमारे पास सेल्स हैं, बोन मैरो कैविटी है। ठीक है, बोन मैरो कैविटी है, इसके अलावा हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक हो गया, हमारे पास बोनीस आपकी जो है वो मेगाकैरियोसाइट्स हैं, बोनी स्पाइक्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी पूरी जो है वो जो है स्टेन आपका सेक्शन है, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, जो कि आपकी बोन के पार्ट्स को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ओके जी, बैक टू द ऑस्टियोक्लास्ट, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिजॉर्प्शन है ये बेसिकली दो प्रोसेसेस में होता है। एक तो पहले उसकी डीकैल्सिफिकेशन होगी, यानी जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है मैट्रिक्स का, पहले वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये डिजोल्व किया जाएगा। उसकी डिसोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसकी डिग्रेडेशन होगी, उस डिग्रेडेशन के रिजल्ट में हमारे पास कैविटी बन जाएगी, और इस तरह से आपका जो बोन का रीमॉडलिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले आपके जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन्स को जो है वो सिक्रीट करेंगे इन द सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा, उसकी एसिडिटी बढ़ने की वजह से आपका जो बोन का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो सॉलेबल हो जाएगा, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब जब वो डिजोल्व हो गया तो फिर वो क्या कहाँ डिलीवर कर दिया जाएगा, टू द नियर बाय ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारे पास है, जब आपका मिनरल्स डिजोल्व हो गया तो फिर जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो कोलाजिनेसिस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को जो है वो सेक्रीट करेगा कंपार्टमेंट के अंदर। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे आपके कोलाजिन को, ठीक है, और दूसरे जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट पड़े हुए हैं उसको, जो कि अब डी कैल्सीफाई हो चुका है, यानी पहले स्टेप में डीकैल्सिफिकेशन थी, दूसरे स्टेप में डिग्रेडेशन थी। अब जितने भी डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होंगे, यानी जो आपके अमाइनो एसिड्स बनेंगे या डाइसेक्राइड्स बनेंगे, वो आप कहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे, ब्लड वेसल के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया ऑस्टियोक्लास्टिक का प्रोसीजर, के किस तरह से ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं, बोन को जो है वो खाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फेगोसाइटोटिक प्रॉपर्टीज द ऑस्टियोक्लास्ट आर कंसिडर्ड टू बी अ कंपोनेंट ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। ठीक हो गया, लेकिन अब की जो रिसेंट रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोन ब्लड बोन मोनोसाइट्स। जो रिसेंट रिसर्चेज हैं वो कहती हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैरो डिराइव्ड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, बोन मैरो से डिराइव हुए हुए मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। एक और फंक्शन जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट का है वो ये कि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के ऊपर जो लगे हुए हार्मोन का रिसेप्टर है वो कैल्सिटोनिन का है। ठीक है, यानी ये कैल्सिटोनिन को रिस्पॉन्ड करेगा। कैल्सिटोनिन हमारे पास वो हार्मोन है जो बेसिकली क्या करता है, आपका
सप्रेस करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पीटीएच है, एक और हार्मोन है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर, डायरेक्ट नहीं होता। किस तरह से, कि कहानी इस तरह से है कि ये जो पीटीएच है यानी पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये क्या करता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट के एक्टिवेट होने की वजह से एक फैक्टर रिलीज किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। वो बेसिकली साइटोकाइन होता है। ये क्या करता है, जब ये साइटोकाइन जो है वो रिलीज़ किया जाता है, तो फिर हमारे पास ये जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट के पास, ऑस्टियोक्लास्ट की जो है वो उसको एक्टिवेट कर देगा, और इस तरह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट इज पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम। ये आप पढ़ के आए हैं कि हमारे पास बोन के पास जो है वो मतलब जो बेसिकली बोन है उसके उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास पेरिओस्टियम होती है और एक हमारे पास एंडोस्टियम होती है। जो पेरिओस्टियम होती है वो आउटर मोस्ट होती है, ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। एंड दिस लेयर कवर्स होल ऑफ द बोन एक्सेप्ट एट अ आर्टिकुलर सर्फेसिस, ठीक है। यानी आपकी जो लॉन्ग बोन है उसके सारे जो शाफ्ट होगी, होल ऑफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट होगी, उसको किसने कवर किया होगा, पेरिओस्टियम ने कवर किया हुआ होगा। और जो एंड्स वाली बोन होती है वो वैसे ही स्पॉन्जी बोन होती है, लेकिन उसके पास एक लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, प्लेट लगी हुई होती है उसके इर्द-गिर्द एक कॉम्पैक्ट बोन की। अब हम पेरिओस्टियम की बात करें तो पेरिओस्टियम जो है वो दो लेयर्स पे कंसिस्ट किया हुआ होता है, आउटर फाइब्रस होती है, इनर सेलुलर होती है। जो फाइब्रस होती है उसके अंदर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। एट द रीजन्स वेयर द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर अटैच्ड टू द बोन, सम बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम पेरिओस्टियम इन टू द बोन मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास वो रीजन्स जहाँ पे लिगामेंट या टेंडन लगा हुआ होता है, उस रीजन का जो फाइबरस लेयर होता है उसके कुछ जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं पेरिओस्टियम से, कहाँ चले जाएंगे, बोन मैट्रिक्स के अंदर, और इन फाइबर्स को हम शार्पेस्ट फाइबर्स बोलते हैं। इनर लेयर ऑफ द पेरिओस्टियम जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ देन ऑफ ऑस्टियोप्रोजेनिटेड सेल्स, द कैविटीज विद इन द बोन आर लाइंड बाय द एंडोस्टियम, ठीक है। अब जो आपकी ये जो है ये आपकी पेरिओस्टियम होगी जो बाहर वाली होगी, और इसके अंदर जो कैविटी की लाइनिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, एंडोस्टियम होगी जो बोन मैरो की होगी। ठीक है, तो हमने कहा एंडोस्टियम जो है वो हमारे पास थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, बेसिकली ये भी क्या कंसिस्ट की हुई होती है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, और ये लाइन करती है मेड्यूलरी कैविटीज ऑफ द लॉन्ग बोन एंड द ट्रबेक्यूलर कैविटीज ऑफ द स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर हमारे पास ट्रबेक्यूलर सिस्टम होते हैं, छोटे छोटे लमेलाए होते हैं बोन के, और उसके बीच में जो कैविटीज होती हैं, दीज कैविटीज आर नोन एज ट्रबेक्यूलर कैविटीज। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन टिश्यू। बेसिकली यहाँ पे दो होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जो मैक्रोस्कोपिक है वो बड़ा है, ठीक है, यानी हम उसको नेकेड आई एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास जो बोन है वो किस तरह की, दो टाइप्स की बोन्स होंगी, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होगी और दूसरी हमारे पास कैंसिलियस बोन होगी। कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास हार्ड बोन होगी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ डेंस एरियाज विद द विदाउट कैविटीज, और जो हमारे पास कैंसिलियस बोन होगी ये स्पॉन्जी बोन होगी, इसको हम ट्रबेक्यूलर बोन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रबेक्यूलर सिस्टम लगा हुआ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर स्पाइक्यूल्स एंड द ट्रबेक्यूलाइज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अनमेरियस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज। जो ट्रबेक्यूलर कैविटीज होंगी वो इंटरकनेक्टिंग होंगी और हमारे पास ट्रबेक्यूलर सिस्टम लगा हुआ होगा। ये हम पीछे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर भी आए हैं। इन द लॉन्ग बोन द एंड्स यानी एपिफाइसिस आर कंपोज ऑफ स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय अ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये भी पीछे पढ़कर आए हैं। वेयर एज द शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कोट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड द मेडुलरी कैविटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमने हेवर्जियन सिस्टम पढ़ा था, ये ऑस्टियन पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। बेसिकली अब उसने कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन का बता दिया कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या लगा हुआ होता है। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी वो हार्ड होगी,
कॉम्पैक्ट बोन जो होगी उसकी, वो आउटर जो होगी उसकी सरफेस वो हार्ड बोन से, यानी हार्ड वाली सरफेस से बनी हुई होगी, जबकि उसके अंदर जो होगा स्पॉन्जी पार्ट बोन का जो है वो स्पॉन्जी पार्ट होगा। और जो हमारे पास एंड्स होते हैं वो बेसिकली स्पॉन्जी बोन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन स्पॉन्जी बोन के इर्द गिर्द हमारे पास एक प्लेट लगी हुई होती है जो कि कॉम्पैक्ट बोन की होती है। अब हमारे पास वो कहते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उनकी क्या होती है, दे कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ स्पॉन्जी बोन, यानी उनका जो कोर बना हुआ होता है वो स्पॉन्जी बोन का बना होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होती है। फ्लैट बोन का भी इसी तरह से होता है कि हमारे पास फ्लैट बोन के पास दो लेयर्स होती हैं कॉम्पैक्ट बोन की, जिसके बीच का जो एरिया होता है वो स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना होता है, एंड दैट इज नोन एज डाइपोल। ये हम पीछे इसके एग्जाम्पल्स के साथ सारी पढ़ कर आए हैं डिटेल के साथ। द नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिकली हम जो बोन्स हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी बोन आती है और सेकेंडरी बोन आती है। जो प्राइमरी बोन होती है उसको हम इमेच्योर बोन भी कहते हैं या वोवन बोन भी कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारे पास पहली, दिस इज़ द फर्स्ट बोन टिश्यू टू अपीयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट। ठीक है, जब आप एम्ब्रियोनिकली आप डिवेलपमेंट के फेज से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम जो पहली बोन अपीयर होती है वो प्राइमरी बोन होती है, या फिर इंजरी के बाद जब बोन रिपेयर होती है, ज़रूरी नहीं इंजरी रीमॉडलिंग के बाद भी जब पहली बोन जो अपीयर होती है दैट इज़ द प्राइमरी बोन। इट इज़ करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल्स एंड इररेगुलरली अरेंज्ड कोलेजन टाइप 1 फाइबर बंडल्स इन द मैट्रिक्स। अब इसकी प्रेजेंस को किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा या किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, अबंडेंट ऑस्टियोसाइट्स होंगे और कोलेजन फाइबर्स जो होंगे टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो इररेगुलर वे में अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसके अंदर इसी तरह से अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो मिनरल कंटेंट होगा मैट्रिक्स का वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द मैच्योर बोन, और मैच्योर बोन जो है फिर वो रिप्लेस कर दी जाएगी बाय द सेकेंडरी बोन। सिर्फ फ्यू एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपकी प्राइमरी बोन जो होगी वो रिप्लेस नहीं की जाएगी बाय द सेकेंडरी बोन, एंड दीज आर इंसर्शन साइट्स ऑफ द टेंडन एंड द एल्वियुलर सॉकेट्स ऑफ द टीथ। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी बोन जिसको हम मेच्योर बोन या लेमिलर बोन भी बोलते हैं, कि एडल्ट स्कल्टन के अंदर ज़्यादा पाई जाने वाली बोन होती है। इसको हम करेक्टराइज किस तरह से कर सकते हैं कि इसके अंदर जो होंगे ऑर्गेनाइज्ड होंगे लेमिलर अरेंजमेंट ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे और लेमिला बने हुए होंगे। ठीक है, लेमिला क्या है, लेयर्स ऑफ द बोन मैट्रिक्स विच वेरी फ्रॉम 3 to 7 माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड आर अरेंज्ड आइदर पैरेलल टू ईच अदर और कंसेंट्रिकली अराउंड अ वैस्कुलर कैनाल। लेमिला की अरेंजमेंट क्या है कि वो पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे या कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में होंगे अराउंड अ सेंट्रल कैनाल विच इज़ नोन एज हेवर्जियन कैनाल। ऑस्टियोसाइट्स इन देयर लैक्यूनाई आर फाउंड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जो मैच्योर बोन होगी उसके अंदर जो ऑस्टियोसाइट्स होंगे वो रेगुलर इंटरवल पे पाए जाएंगे बिटवीन द लेमिला। द नेबरिंग लैक्यूनाई आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ नैरो कैनाल इक्विलाई दैट कंटेन द प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, जो नेबरिंग लैक्यूनाई हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ अ नैरो कैनाल्स दैट आर नोन एज कैनल इक्विलाई, और कैनल इक्विलाई जो है वो फॉर्म द नेटवर्क ऑफ द चैनल्स दैट अलाउ द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स आयंस हॉर्मोन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ऑस्टियोसाइट्स एंड नियर बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी ये वो चैनल्स हैं जिसके थ्रू आपका एक्सचेंज होगा बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। विद इन द कैनल इक्विलाई द प्रोसेसेस ऑफ ईच ऑस्टियोसाइट मेक गैप जंक्शंस विद दोज ऑफ द नेबरिंग ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, यानी वो क्या कर रहे हैं, कैनल इक्विलाई के अंदर हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट्स के प्रोसेसेस हैं वो गैप जंक्शंस बना रहे हैं जो उसके साथ पड़े हुए ऑस्टियोसाइट्स होंगे, और ये गैप जंक्शंस जो होंगे वो अलाउ करेंगे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। द नेक्स्ट इज हेवर्जियन सिस्टम या ऑस्टियोन। ठीक है, यह हम पिछले सेमेस्टर में देख कर आए थे कि इसमें हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो एक यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसको हम हेवर्जियन सिस्टम या यूनिट बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमने कहा था कि हमारे पास क्या होती है, एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसके बीच में से सारा जो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स गुजर रही होती हैं। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास लेमिलाए जो होंगे वो अरेंज्ड होंगे इन आइदर वे पैरेलल या कंसेंट्रिक। ओके जी, हाँ जी, जो एडल्ट बोन की जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होगी उसके अंदर हेवर्जियन सिस्टम होगा जिसको हम ऑस्टियोन बोलते हैं,
ईच ऑफ द ओस्टियन कंसिस्ट ऑफ 5 to 15 लैमिलाई ऑफ बोन मैट्रिक्स दैट आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड अ लॉन्गिट्यूडनली रनिंग सेंट्रल कैनाल कॉल्ड द हेवर्जियन कैनाल। एक सेंट्रल कैनाल है जिसको हम हेवर्जियन कैनाल कह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द हमारे पास लैमिलाई होंगे 5 to 15 लैमिलाई जो कि आपका सारा मिलकर क्या बना रहे हैं, ओस्टियन बना रहे हैं। द लैमिलाई कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओस्टियन आर नोन एज हेवर्जियन लैमिलाई। जो इस हेवर्जियन सिस्टम के अंदर के लैमिलाई होंगे उसका नाम हेवर्जियन लैमिलाई होगा। और इनकी जो डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी कि एक जो लैमिलाई के फाइबर्स होंगे, जो टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होंगे, वो क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल पर होंगे विद द अदर वन। और हमारे पास क्या आता है, वो कहता है कि हमारे पास ईच ओस्टियन इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स विच इज डेफिशिएंट इन द कोलेजन फाइबर्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओस्टियन। ये जो सेंट्रल आपको डार्क नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेंट्रल हेवर्जियन कैनाल। इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या लगे हुए हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड जो हैं वो लैमिलाए हैं, और लैमिलाए जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं विद द आपका दीज आर द लैक्यूनाई। ठीक हो गया, ये जो ब्लैक ब्लैक डार्क स्टेन नज़र आ रहा है, और ये जो आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैनालिकुला। The next is longitudinal sections also show that the Hevergian canals of the osteons are connected to a marrow cavity, the periosteum, and to each other by transverse oblique processes called Volkmann's canal. ठीक है, ये आपके जो जब हमने इसको longitudinally bone को cut किया तो हमारे पास Hevergian canal के साथ साथ जो जो हमें एक चीज़ appear हुई वो ये कि जो हमारे पास Hevergian canals थी osteons की वो आपस में कनेक्टेड हैं बोन मैरो के साथ विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसवर्स चैनल्स नोन एज परफोरेटिंग चैनल्स। दीज चैनल्स परफोरेट द लैमिलाई। ठीक है, द वोकमैन्स कैनाल्स आल्सो कंटेन द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ द हेवर्जियन कैनाल विद ईच अदर एंड विद द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द पेरियोस्टियम एंड द मैरो कैविटी। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं बिटवीन द बोन्स ब्लड वेसल्स। द नेक्स्ट इज बोन फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज ऑस्टियोजेनेसिस और ऑसिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली ये जो ऑस्टियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये सेकेंड मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरू हो जाता है, और दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे बोन जो है वो बनती है। एक हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है और दूसरी हमारे पास इंट्रा कार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन। जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है वो बेसिकली हमारे पास क्या करती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसके अंदर बोन जो है वो ऑसिफाई होती है, जिसके अंदर से बोन बनती है। जबकि इंट्राकार्ट ये जो एंडोकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन है ये क्या होती है कि पहले हमारे पास कार्टिलेज का मॉडल बनता है, दैट कार्टिलेजिनस मॉडल इज रिप्लेस्ड बाय द बोनी टिश्यू। इसकी डिटेल हम थोड़ी सी पढ़ लेंगे, जैसे हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ कर आए थे कौन कौन सी टाइप ऑफ बोन जो है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस से बनती है, क्लेविकल बनती है, मैंडिबल बनती है, और जो फेस और स्कल की बोन्स हैं वो हमारे पास किससे बनती हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती हैं। ये प्रोसेस जो है वो 8th वीक ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ से शुरू हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो मेसेनकाइमा है वो हमारे पास क्या होती है, अरेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ शीट और मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से हर मेम्ब्रेन के अंदर ईच ऑफ सच मेसेनकाइमल मेम्ब्रेन जो होती है वो वेस्कुलराइज होना शुरू हो जाती है। उसकी वेस्कुलराइजेशन से क्या होता है कि इन्वेडिंग होना शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स की, उसके उससे क्या होता है कि विच गिव राइज टू परफ्यूज नेटवर्क्स। ठीक है, जब इन्वेडिंग होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे जो मेसेनकाइमल सेल्स होंगे वेस्कुलराइज रीजन के अराउंड वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। दिस इज द ऑसिफिकेशन कि ये हमारे पास क्या है, ये आपके जो है वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपकी इन्वेड कर रही हैं, मतलब आपके जो मेसेनकाइमल टिश्यू होगा उसके अंदर आएंगी, और इस इन जो हाईली वेस्कुलराइज टिश्यू होगा इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होंगे, जो सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे, और उसके डिफरेंशिएशन से जैसे हमारे पास अगला प्रोसेस शुरू होता है, यानी ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स पड़े हुए थे। ठीक है, ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स डिफरेंशिएट होंगे इनटू द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो ओस्टियोइड को रिलीज करेगा जो कि आपका इनऑर्गेनिक आपका कंपोनेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज को रिलीज करेगा जो कि कैल्सिफिकेशन कराएगा, और इस तरह से बोन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। द नेक्स्ट इज इंट्रा कार्टिलेजनस मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका कार्टिलेज का जो मॉडल है वो पहले बनता है, और उसके बाद वो मॉडल जो होता है वो बोनी टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑल्सो बिगिन इन द 8th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ।
और ये हमारे पास क्या करते हैं, थ्री स्टेप्स में जो है वो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, मिनिएचर कार्टिलेजिनस मॉडल बनता है। देन कॉन्टिन्यूड ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेजिनस मॉडल विच सर्व एज अ स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड फॉर द बोन ग्रोथ। ठीक है, यानी वो जो मॉडल बना था कार्टिलेज का, मिनिएचर कार्टिलेज, अब उस कार्टिलेजिनस मॉडल की ग्रोथ होगी। जितना आपका नॉर्मल एडल्ट बोन ने बड़ा होना होता है, ग्रोथ होनी होती है उसकी, उतना मॉडल बनता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड, यानी इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन वो जो कार्टिलेजिनस टिश्यू है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा बाय द बोनी टिश्यू। दिस इज द ये आपकी इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन, ये भी उसी की जो है वो एक और स्लाइड बनाई हुई है। अब हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ ओसिफिकेशंस बनते हैं, हमारे पास वो जगह बनती हैं जहाँ से बोन जो है वो बनना शुरू होती है। एक हमारे पास प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है जो कि सेंटर ऑफ शाफ्ट होता है, यानी जो जहाँ से शाफ्ट बननी होती है, और बाकी हमारे पास टू और मोर देन टू सेकेंडरी सेंटर्स बनते हैं जहाँ से हमारे पास बोन के एंड्स बनने होते हैं। द प्राइमरी सेंटर यूजली अपीयर इन द थर्ड मंथ ऑफ द इंट्रा यूटराइन लाइफ, और जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं वो यूजली आफ्टर बर्थ जो है वो अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ इन लेंथ, कि हमारे पास बोन किस तरह से ग्रो करेगी इन साइज। हमारे पास एक जो है वो ग्रोथ प्लेट होती है बिटवीन द डायाफेसिस एंड एपिफेसिस, जो आपका शाफ्ट है और जो एंड्स हैं उसके बीच में हमारे पास एक कार्टिलेज की प्लेट होती है, जिसको हम ग्रोथ प्लेट या एपिफिजियल प्लेट या कार्टिलेजिनस प्लेट बोलते हैं। दिस प्लेट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन। ठीक हो गया, और किस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास इस कार्टिलेजिनस प्लेट में फाइव जोन्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। जोन ऑफ रिजर्व कार्टिलेज, ये वो है जहाँ पे कोंड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज के जो सेल्स होंगे वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और वो कोई प्रोलिफरेशन शो नहीं करेंगे, यानी वहाँ पे कोई एक्टिव मैट्रिक्स सेक्रेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जोन इज जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, ये वो जोन होगा जहाँ पे आपके सेल्स जो हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे और उनका अपना साइज जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो अलाइन हो जाएंगे इन द लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स। ठीक है, यानी दीज सेल्स प्रोड्यूस द एक्टिव मैट्रिक्स, और माइटोटिकली भी क्या होंगे, एक्टिव होंगे, इस वजह से जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन। द नेक्स्ट इज जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी, ये वो जोन है जहाँ पे आपके कार्टिलेजिनस सेल्स जो हैं वो हाइपरट्रॉफी में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर जो आपका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, ग्रैन्यूलर अपेनेस देगा। ठीक है, और जो सेल्स होंगे वो हाइपरट्रॉफी में जाएंगे, और सेल्स के साथ साथ जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैक्यूनाए होंगे वो भी एनलार्ज होंगे। द ग्लाइकोजन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू and the consequently the cytoplasm of the hypertrophied chondrocytes appear clear in ordinary histological sections. ठीक हो गया, enlargement of the lacunae reduces the cartilage matrix into thin septa between the columns of the enlarged chondrocytes. अब ये जो hypertrophied हो गए हैं उनका size बढ़ गया है chondrocytes के cells का, तो इसके अंदर जो cartilage का matrix होगा वो thin septa बनाएगा जो कि between the कॉलम्स ऑफ द एनलार्ज्ड कॉन्ड्रोसाइट्स पड़ा हुआ होगा। द नेक्स्ट इज जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, ये वो जोन है जहाँ पे आपके हाइपरट्रोफाइड कॉन्ड्रोसाइट से अब वो मरना शुरू हो जाएंगे और डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे, और जो कार्टिलेक्स मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे, कैल्सीफाई होना शुरू हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज जोन ऑफ ओसिफिकेशन, ये वो जोन है जो कि एडजेसेंट होगा टू द डायाफेसिस। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज एंड ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स इन्वेड द दिस जोन फ्रॉम द डायाफेसियल साइड। ठीक है, यानी आपके ये वो कार्टिलेज प्लेट की ये वो साइड है जो कि आपके डायाफेसिस की तरफ होगी, और इसके अंदर हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होंगे और ब्लड कैपिलरीज होंगे। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो होंगे वो डिफरेंशिएट होंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के अंदर, जो कि आपका जो है वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज मैट्रिक्स बनाएंगे। ओस्टियोब्लास्ट डिपॉजिट द बोन मैट्रिक्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैल्सिफाइड कार्टिलेज। जैसे जैसे मोर कार्टिलेज जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा, कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो हो जाएगा इन द कोर ऑफ द स्पाइक्यूल्स अंडरगो रिजॉर्प्शन एंड फाइनली डिसअपीयर्स। यानी सपोज करें कि आप कार्टिलेज जो है वो ख़त्म होता शुरू होता जा रहा है, कोर की तरफ आता शुरू आते जा रहा है, सेंटर की तरफ आते जा रहा है, और जो साइड्स पे हैं
वो बोनी टिश्यू जो है वो बनता शुरू बन रहा है, बनता जा रहा है। When adequate size of the bone has been achieved and no more increase in length is required, chondrocytes of the epiphyseal cartilage ceases to divide mitotically and very soon the whole of the growth plate becomes replaced by the bone and diaphysis joins the epiphysis. वो एज जब आपकी बोन की ग्रोथ जो होती है वो सीज हो जानी होती है, उस टाइम पे जो आपकी ग्रोथ प्लेट के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ आपका बोनी टिश्यू, ठीक है। अब जब कॉन्ड्रोसाइट्स रिप्लेस हो गए हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स ख़त्म हो गए हैं, तो आपका क्या होगा कि वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं होंगे, और जब वो डिवाइड नहीं होंगे तो आपकी बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी। इसके साथ साथ हमारे पास बोन जो है वो डायामीटर में भी इंक्रीज होती है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, दैट इज़ नोन एज अपोजिशनल ग्रोथ, ठीक है। अब किस तरह से होगा कि हमारे पास वो जो पेरिओस्टियम की इनर लेयर के जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होंगे वो क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो एक न्यू लेयर ऑफ द बोन मैट्रिक्स बना देंगे, जो कि पहले से बनी हुई पेरिओस्टियम की लेयर होगी, यानी पिछली लेयर के ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। तो जो पिछली लेयर होगी वो रीअब्जॉर्ब की जाएगी बाय द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, और आपकी जो न्यू बोन है वो उसकी उसी तरह से हार्डनिंग होगी और वो अपना फेस पूरा करेगी, और अगेन आपकी जो लेंथ है जो विड्थ है बोन की वो अचीव की जाएगी। ओके, दिस रिजल्ट्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ अ कैविटी, वेल बैलेंस्ड डेपोजिशन ऑफ बोन ऑन आउटर सर्फेस, रिजॉर्प्शन ऑफ द इनर सर्फेस कंटिन्यू अंटिल द ऑप्टिमल डायामीटर ऑफ द एडल्ट बोन हैज बीन अटेन्ड। वो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है पूरा साइकिल है न्यू आपकी पेरिओस्टियम के बनने का और पिछली पेरिओस्टियम के खाए जाने का, ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक बैलेंस्ड वे में होता है, और ये तब तक होता है जब तक आपकी जो विड्थ है वो अटेन नहीं हो जाती। दिस इज़ ऑल अबाउट आपका बोन। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। इसमें हमने मेजर जो बातें थी वो सारी पुरानी वाली पढ़ी कि हमारे पास बोन की टाइप्स क्या होती हैं, बोन्स की ओसिफिकेशन किस तरह से होती है। एक न्यू चीज़ पढ़ी थी सिर्फ हमने, ये जो ग्रोथ प्लेट के 5 जोन्स हैं बस, बाकी सारा हमारा पुराना ही था। और आपने ये स्लाइड्स वगैरह देख लेनी है, और जो मैंने आपको बुक दी है वहाँ से ठीक हो गया, और इसको बस ध्यान से मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।